नमस्कार दोस्तों, कभी भी अपने विश्वास पात्र पर शक नहीं करना चाहिए। शक का हमेशा दुष्परिणाम ही होता है। तो आइए सुनते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो हमें शक करने का परिणाम सिखाती है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बरसों पुरानी बात है, एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर देवकन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में आया कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिर जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। समय बीतता गया। नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था। पति के जाते ही देवकन्या भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उसके घर में एक सांप घुस गया। ब्राह्मण का बच्चा घर में आराम से सो रहा था। सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वो सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वो डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था। लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या ने मन ही मन कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी है। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उस नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौनों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास में मरे हुए सांप पर पड़ी। सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मुंह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार डाला। ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मण भी घर लौट आया। वो पत्नी की रोने की आवाज सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, देवकन्या तुम क्यों रो रही हो, ऐसा क्या हो गया? उसने अपने पति को सारी कहानी सुनाई। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण देवदत्त को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।